दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में माही एंड लवली मॉम। दोस्तों सुबह तो मेरी दोपहर हो गई है और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैंने बनाई है ये देखिए दाल बन रही है, और आज मैंने बनाई है ये सब्जी कद्दू की सब्जी बनाई है जो माही को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए भी मुझे दाल भी बनानी पड़ी। और मैंने आटा लगाया है थोड़ा सा, सुबह नाश्ता बनाया था, और अब मैं चावल बनाऊंगी। थोड़ी सी दाल बनी है तो चावल तो चाहिए, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे आटा बच जाए चाहे कुछ हो जाए, पर चावल तो बनाना ही है। फिर तो चावल बनाऊंगी, और अभी चावल बनाती हूँ और थोड़ी सी एक दो चपाती बना लूँगी, फिर चावल आटा बच भी जाएगा। तो सुबह ऐसा कुछ प्लान था नहीं, फिर ये कद्दू की सब्जी भी मेरे ख़राब हो रही थी, इस चक्कर में मैं इनका ख़राब ना हो जाए लेके आई हूँ तो बना लेती हूँ करके फिर बना लिया। अब फिर दाल बना दी माही नहीं खाएगी करके, अब चावल बना लेती हूँ थोड़ा सा, दाल चावल भी हो जाएगा और सब्जी भी हो जाएगी टपकी, हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं टपकी, टपकी भी हो जाएगा साथ में। तो मैं घी बना रही थी और ये पता नहीं आज इसको क्या हो गया है जो बन ही नहीं रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसको बना बना के। अब हम खाना खाएंगे क्योंकि इसको बनाते बनाते मुझे बहुत देर हो गई है, ये बन ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो खाना खाते हैं माही, चलो आ जाओ खाना खा लें बेटा। अब खाना खाते हैं फिर मिलती हूँ। हमको उठे तो पूरा अंधेरा हो गया है और देखिए क्या भयंकर बारिश आ रही है। पूरा अंधेरा सा हो गया है और बजा हुआ है 5 और बारिश आ रही है तेज तेज। अरे बाप रे, अंदर तक आ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये बारिश का मौसम ही नहीं है फिर भी इतनी बारिश आ रही है। गीली हो जाएगी माही। दोस्तों शाम हो गई है और आज शाम को खूब बारिश आई थी, अभी पता नहीं क्या एकदम से मौसम चेंज हुआ है और बारिश आने लग गई है और ठंड हो रही है। देखो मैंने आज स्वेटर पहनी हुई है, अभी तक मैंने स्वेटर और फुल स्लीव की टी शर्ट वगैरह भी नहीं रखी है माही की, क्योंकि ठंडा हो जा रहा है, कभी कभी मौसम चेंज हो जा रहा है। और यहाँ पर राजस्थान में गणगौर का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, धूमधाम से। होली के जिस दिन धुलंडी होती है ना, उस दिन से गणगौर बिठाई जाती है और आई थिंक 16 दिन तक उसका चलता है, रोज़ पूजा होती है 2 टाइम, और शाम को लोग सब एक एक करके अपने घरों में गणगौर के गीत गाते हैं। तो आज आंटी के घर में गीत है, हम जहाँ पर रहते हैं, तो अभी गीतू में जाऊँगी मैं, अभी बोलने आए थे वो कि गीतू में जाना है, तो गीतू में जाते हैं फिर दिखाती हूँ आपको कैसे गीत हो रहे हैं इधर के। दोस्तों दिन में घी नहीं बन पा रहा था, अभी मैंने बना लिया है, देखो इतना घी बना है। ये घर की जो मलाई होती है उससे मैंने घी बनाया है। आप लोग भी अगर दूध में मलाई लगती है तो उससे ट्राई कर सकते हैं, इसको बनाना आसान है और घर का घी भी रहता है तो अच्छा रहता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इसका अगर आपको जानना है। वैसे तो लगभग लोग बनाते ही हैं, अगर आपको जानना है कैसे बनाते हैं तो मुझे कॉमेंट करें, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे बनाना है ये घी। दोस्तों एक बात है जो मैंने आप सबको नहीं बताई, पहले आप सोचते होंगे कि कुछ और ही घर दिखता था और अब कुछ और ही घर दिख रहा है, तो मैंने घर शिफ्ट कर लिया है और उसका भी एक कारण था क्योंकि वहाँ से माही का स्कूल काफ़ी दूर हो रहा था, इस वजह से मुझे घर शिफ्ट करना पड़ा और मेरे बस का बहुत चार्ज लग रहा था, 1500-1800 रुपये चार्ज लग रहे थे वहाँ से, तो इसलिए हमने घर शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ से पास में हो गया है तो मैं खुद ही छोड़ सकती हूँ ला सकती हूँ, तो इसलिए हमने घर शिफ्ट कर लिया। और उसका मैंने ब्लॉग वगैरह किया नहीं क्योंकि जल्दीबाजी में किया था तो मेरे को इतना टाइम मिल नहीं पाया,
तो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। छोटा सा लिया है, हमको ज़्यादा इतनी ज़रूरत तो है नहीं, छोटा सा लिया है पर अच्छा घर है और स्कूल के पास में है, तो यहाँ से क्या मेरे को लाने छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। और वो जो भी अपना स्कूल का टाइम ये लग रहा था बीच में, एक घंटा पौन आधा 40 मिनट तो लग जाते थे, 40 मिनट आने के 40 मिनट जाने के जो लग रहे थे वो भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट का काम है, पास में ही है, छोड़ना लाना मैं कर सकती हूँ, इसलिए हमने चेंज कर लिया। चलो मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। दोस्तों यहाँ से एंट्री है और ये एक छोटा सा हॉल है, यहाँ पर मैंने चेयर लगा रखी है, नीचे चटाई बिछा रखी है और यहाँ पर वॉश बेसिन है। और फिर यहाँ से एक रास्ता किचन को जाता है, किचन का गेट है, ये रूम का है, ये स्टोर रूम भी है यहाँ पे। सबसे पहले किचन ही दिखा देती हूँ मैं आपको, ये किचन है छोटी सी, ये है माही और ये है स्टोर। स्टोर में तो सामान ये क्या दिखाएं, ये रूम है, रूम भी छोटा सा है, छोटा सा नहीं ठीक है, मतलब ये अलमीरा बनी हुई है इसमें खूब बड़ी, ये देखिए। और ये खिड़की है यहाँ से, और एक ये बालकनी है यहाँ पे छोटी सी, पर ये अंधेरे में अभी दिखेगी नहीं क्योंकि मैं शाम को बना रही हूँ। और यहाँ पर टीवी लगा दिया है और टीवी का कनेक्शन नहीं करवाया है। एक बालकनी इधर है और इस बालकनी में ही इधर का गेट खोल के वॉशरूम है बाहर, और वो भी अभी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वॉशरूम तो काफ़ी अच्छा बड़ा है पर अभी दिखाने का फ़ायदा नहीं, अंधेरा हो रहा है, तो मैं बाद में दिखा दूँगी। और माही कर रही है पढ़ाई। यही है अपना छोटा सा घर, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए तो गणगौर के गीतों में काफ़ी टाइम लग गया था, उसके बाद खाना वाना बनाने में भी टाइम लग गया, तो अब तो खाना वाना खा लिया है और मैं बेड पर आ गई हूँ। अब थोड़ी देर टीवी देखेंगे और उसके बाद सोना है, फिर सुबह वही रोज़ का रामायण कहती हूँ मैं, जो रोज़ की रामायण। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और मुझे ज़रूर बताना कि मेरा छोटा सा घर कैसा लगा आपको। तो फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।